क्या आप अमीर बन सकते हैं? क्या अमीर बनना पॉसिबल है? क्या कोई 60 या 70 की एज से पहले अमीर बन सकता है? क्या आप अंडर 30 या 40 की एज में आप वाकई में अमीर बन सकते हैं? इसके लिए हमें क्या क्या करना होता है? आप सभी को इस सवाल का जवाब इसी वीडियो में मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपको कुछ वैल्यूबल सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम आज एमजी डीमार्को के द्वारा लिखी गई मिलेनियर फास्ट लर्न की बुक के बारे में बात करेंगे। इस बुक से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम कैसे अमीर बन सकते हैं और वह क्या कारण है और वह क्या गलती है जिसको करने के कारण कोई व्यक्ति कभी अमीर नहीं बन पाता है, या फिर अमीर बनता भी है तो 60 या 70 की एज में अमीर बनता है। इस बुक में ऑथर हमें 3 लेन के बारे में बताते हैं, जिनमें से एक लेन ने उन्हें 35 की उम्र में ही मिलीनियर बना दिया था। आइए जानते हैं उन तीनों लेनों के बारे में। पहला लेन है साइड लेन, दूसरा स्लो लेन, तीसरा फास्ट लेन। दुनिया के ज़्यादातर लोग इन दो लेनों पर चलते हैं। सबसे ज़्यादा लोग तो आपको स्लो लेन पर दिखेंगे। यह लेन सबसे आसान होता है और ये दुनिया के ज़्यादातर लोग इसी लेन पर आपको दिखेंगे, स्पेशली मिडिल क्लास लोग। और यह फास्ट लेन पर आपको सबसे कम भीड़ मिलेगी, क्योंकि यह लेन मुश्किल तो होती है पर आसान भी नहीं होती है। इसी लेन पे चल के ऑर्थर 35 की उम्र में मिलीनियर बनने में सक्सेसफुल हुए थे। आइए एक स्टोरी से समझते हैं। कॉलेज के दिन सबसे होनहार स्टूडेंट होते हैं। इनके नाम थे रोहित, राहुल और मोहित। आप मोहित की स्टोरी सुने बिना गलती से भी वीडियो को स्किप या फिर वीडियो को बंद मत कीजिए, क्योंकि मोहित की स्टोरी आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल भी सकती है। कहानी शुरू होती है रोहित से। रोहित एक बहुत होनहार स्टूडेंट था अपने कॉलेज का। कॉलेज के बाद उसे एक 35,000 की सैलरी वाली नौकरी उसे आसानी से मिल जाती है और उसकी पहली सैलरी पे वह एक आईफोन ले लेता है, वो भी ईएमआई पे। उसके कुछ समय के बाद वह एक कार भी खरीदता है, वो भी ईएमआई पे। रोहित आज में जीने में विश्वास रखता है, कल किसने देखा है। वह इसी बात के कारण अपनी पूरी ज़िंदगी की सैलरी इसी तरह बेफिजूल की चीज़ों में निकाल देता है। इस तरह के लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। अब हम बात करेंगे राहुल के बारे में। राहुल बहुत हद तक रोहित से बढ़िया है। वह अपनी सैलरी का आधा हिस्सा FD में, बैंक में या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। वह शायद से 60 या 70 की एज में अमीर बन सकता है। यह सोचकर कि वह एक दिन 60 या 70 की एज में अमीर बन पाएगा, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह अमीर बन पाएगा, क्योंकि उसकी अगर नौकरी चली गई या फिर उसे कोई बीमारी हो गई तो वह अपनी सारी सेविंग इसी के कारण खो देगा। इस तरह के लोगों को हम स्लो लेनर कहते हैं। इनकी कोई गारंटी भी नहीं होती है कि यह 60 से या 70 की एज में अमीर बन भी पाएंगे। अब हम बात करेंगे मोहित के बारे में। मोहित अपने कॉलेज में एक बहुत बेहतरीन स्टूडेंट था। मोहित कॉलेज ख़त्म होने के बाद एक नौकरी पकड़ लेता है, वह कोई सी भी नौकरी कर लेता है। इसके कारण उसे लोग पढ़ा लिखा गवार कहते हैं, क्योंकि वह बहुत पढ़ा लिखा था पर लेकिन वह एक छोटी सी नौकरी कर रहा था। पर मोहित को पता था कि इसके कारण वह एक दिन ज़रूर अमीर बन जाएगा। वह अपने 8 to 4 की जॉब के बाद घर आके अपने फ्री टाइम में अपने इंस्टा और यूट्यूब के ऑनलाइन बिजनेस पे ध्यान देता था। वह बिजनेस के बारे में यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे लोगों को बताता था और बिजनेस करने के बारे में सिखाता भी था। स्टार्टिंग में तो उसे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलते थे। उसे पता था कि वह अगर वीडियो डालना नहीं छोड़ेगा तो वह एक दिन ज़रूर अमीर बन जाएगा। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि दुनिया में चाहे कितने भी मुश्किलें क्यों ना आए, पर हमें फास्ट लेन से कभी भी नहीं उतरना चाहिए। फास्ट लेन के कारण ही हम अमीर बन सकते हैं। इसी लेन के कारण ऑर्थर भी 35 की उम्र में मिलीनियर बनने में सक्सेसफुल रहे थे। अगर आपको यह जानना है कि रेट रेस से बाहर कैसे निकल सकते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आप जानें कि वह क्या 3 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिसके कारण कोई भी व्यक्ति रेट रेस से बाहर निकल सकता है, यानी 9 to 5 की जॉब से बाहर निकल सकता है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूबल लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।